दोस्तों, आज के इस पहली कहानी से आपको यह सीखने को मिलने वाला है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध की यह कहानियाँ एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय क्यों है? वह व्यक्ति कहता है, उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियाँ पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर ना जाइए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए। परंतु बुद्ध पर उंगली माल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकल कर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली माल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो, परंतु मुझसे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है।
उंगलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ऐ साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल और ज़्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, ऐ साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को फिर से नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगलीमाल तीसरी बार बहुत ही ज़्यादा क्रोध में भरकर आवाज लगाता है, ऐ साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमाल ये समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ऐ साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती है, पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ऐ साधु, तूने यह क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था? और तूने यह क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँच सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है, इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। उंगलीमाल, क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आँखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमाल माल रोते बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ, मैंने बहुत हत्याएं करी हैं और बहुत पाप करे हैं, मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरे वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा।
उंगली माल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगली माल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों न कर लूँ, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगली माल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगली माल पूछता है, क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है और उंगली माल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगली माल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगली माल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि बुद्ध किसी को भी अपना शिष्य या भिक्षु नहीं मानते थे। जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ता था वो उसे केवल मार्ग दिखाते थे और वह उस मार्ग पर चलता था। भिक्षु और शिष्य शब्द केवल संघ से जुड़ने वाले लोगों की पहचान होती थी। कहानी में आगे बढ़ते हैं, बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसे उसका नाम रखा था और वो ठीक वैसा ही वह बन चुका था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे उंगली माल राक्षस एक अहिंसक बना। इससे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब ये बात बुद्ध को पता चलती है तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्यों आप इस हत्यारे उंगली माल की रक्षा कर रहे हैं? न जाने कितने लोगों की जाने ली हुई हैं इसने। बुद्ध कहते हैं, अब यह उंगली माल नहीं है, बल्कि इसका नाम अब अहिंसक है। अब यह आपकी ही तरह एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, यह बदल चुका है, बस आप सब लोग इससे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह उंगली माल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस या बल होता कि कोई इसे एक उंगली भी लगा सके? ये आपका हर वार खाता रहा, और क्या इसने आप पर कभी पलटकर वार किया? नहीं ना। क्या ये परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपना लहू बहा के अपने सारे बुरे कृत्य धो डाले हैं। आप लोग के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? यह तो बदल गया, परंतु आप कब बदलोगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरे की पीड़ा सहन न हो तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे, और ऐसा इस भिक्षु ने किया है। दो दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था। तभी यह भिक्षु वहाँ आ पहुँचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन? मैंने इसे बताया कि यह स्त्री परस्पर पीड़ा में है और इस घने वन में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं।